प्राइस टिकीनेस एंड इट्स सोर्सेसूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने रियल रिजिडिटी की बात की थी एफिशंसी वेज मॉडल के रेफरेंस से कि जब फॉर्म्स एफिशेंसी वेज मॉडल को फॉलो करती हैं तो फिर रियल वेजिस रिजिड होती हैं तो आज हम बात करेंगे कि कैंसियन मॉडल में वो एज्यूम करते हैं कि नॉमिनल वेज भी रिजिड हैं सो प्राइस स्टिकनेस इज़ द टेंडेंसी ऑफ प्राइस टू एडजस्ट स्लोली टू चेंज इन द इकॉनमी ये जो कॉन्सेप्ट है इससे मरा दिए कि प्राइस जो हैं जब मार्किट में चेंजेज़ आती हैं मार्किट डिमांड में या सप्लाई में तो प्राइस बहुत क्लासिकल की आदमशन तो ये थी कि जी प्राइस जो हैं वो बिल्कुल इंस्टेंटली एडजस्ट कर जाती हैं कम्प्लीटली फ्लैक्सीबल हैं केंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्राइस बहुत स्लोली एडजस्ट करती हैं तो उसको वो प्राइस स्टिकनेस से डीट करता है So the data suggests that the money is not neutral. So Keynesian reject the classical model. So ये तो हमने देखा था कि empirical uh, evidence ये show करती है कि money neutral नहीं है. तो classical ने उसको respond किया कि जी जो producers हैं they have imperfect information और misperception theory के बारे में हमने पढ़ा और और इस तरह की चीजें हमने पढ़ी. लेकिन Keynes उससे convinced नहीं है. वो कहते हैं कि नहीं. मिसपरसेप्शन जो है ये मनी की नॉन न्यूट्रलिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता केन्स के मुताबिक डेवलप्ड द आइडिया ऑफ प्राइस स्टिकीनेस टू एक्सप्लेन व्हाई मनी इज़ नॉट न्यूट्रल सो केंदियन मॉडल में उसको जस्टिफाई uh, करने के लिए कि मनी न्यूट्रल क्यों नहीं है उन उन्होंने ये आइडिया दिया कि प्राइस आर स्टिकी दैट्स वाई मनी इज़ नॉट न्यूट्रल सो एन अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ द के मॉडल दैट नॉमिनल वेजिस आर स्टिकी इसमें तो हम बात हैं प्राइसिस की स्टिकीनेस की लेकिन जो अल्टरनेटिव मॉडल है उसमें वो वेजिस की स्टिकीनेस की बात करती है लेकिन दोनों की इम्प्लीकेशन एक ही है कि उसके नतीजे में मनी जो है वो न्यूट्रल नहीं होती मनी न्यूट्रल प्राइस जो हैं वो क्यों स्टिकी हैं ये क्वेश्चन ये कि इट्स ओके okay कि प्राइस स्टिकी होने की वजह से मनी न्यूट्रल नहीं है लेकिन प्राइस स्टिकी क्यों है इसकी दो दो उसकी रीज़न दो अदम्पशन हैं इस मॉडल की नंबर एक तो ये है कि देर इज़ मनापलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा है मेन्यू कास्ट इस पर हम बात करते हैं वन बाई वन मनापलिस्टिक कंपटीशन आप जानते हैं आप माइक्रो इकनिक्स के बेसिक कोर्सेज में आप पढ़ते हैं परफेक्ट कम्पटिशन में जो फॉर्म्स होती हैं प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो होमोजीनियस होती है और बाकी जो उसके अदम्पन हैं उनकी इम्प्लिकेशन ये होती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तो उसमें फार्म जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं जबकि मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी मार्केट में मोनापलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें फॉर्म्स को टू एक्सटेंड प्राइस पर कुछ कंट्रोल हासिल होता है ओके क्यों होता है इसकी बहुत सारी रीज़न है लेकिन एक बेसिक रीज़न ये है कि प्रोडक्ट जो होती है उस मार्केट में वो परफेक्टली होमोजीनियस नहीं होती वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड होती है जिसकी वजह से उन्हें प्राइस पर मोनोपली पावर टू सम एक्सटेंट हासिल होती है सो कैनडियन सजेस्ट डेट मैनी मार्केट्स आर करेक्टराइज बाई मोनोपलिस्टिक कम्पिटिशन के बहुत सारी रियल वर्ल्ड में हमारी मार्केट्स जो हैं वो परफेक्टली कम्पैटिटिव नहीं है दे आर मोनोपलिस्टिकली कम्पटिटिव सो इन मोनोपलिस्टिकली कम्पैटिटिव मार्किट्स सेलर डू थ्री थिंग्स क्या करते हैं दे so, सैट प्राइस इन नॉमिनल टर्म्स एंड मैंटेन दोज प्राइसिस फॉर सम पीरियड वो नॉमिनल टर्म्स में कोई प्राइस अपने प्रोडक्ट की फिक्स कर देते हैं फिर उसको कुछ अर्से के लिए मेनटेन करते हैं डिमांड में अगर कोई कमी बेशी आती है तो उसको वो एडजस्ट करते हैं दे एडजस्ट आउटपुट टू तो मीट द डिमैंड एट देअर फिक्स नॉमिनल प्राइज जो उन्होंने प्राइस फ़िक्स कर दी है डिमांड में अगर, अगर मार्जिनली कुछ कमी बेशी आती है तो वो उसी प्राइस पर उसको सेल करते हैं they readjust prices from time to time when वैन or demand changes significantly. Price को सिर्फ वो उसी वक्त चेंज करेंगे जब उसकी कॉस्ट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगी अदरवाइज मार्जिनल चेंजेस से वो उसी प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे सो so, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है आइडिया इस प्राइस स्टिकनेस के लिए वो ये है कि मेन्यू कॉस्ट का आइडिया टर्म मेन्यू कॉस्ट कम्स फ्राम द कॉस्ट फेस्ड बाई अ रेस्टोरेंट वन इट चेंजिज प्राइस कि जब रेस्टोरेंट ने कोई अपनी प्राइस चेंज करनी होती है तो उसे क्या करना पड़ता है उसे अपना मेन्यू रीप्रिंट करवाना पड़ता है ना तो अगर से बाजहर ये बहुत एक मामूली सी कास्ट नज़र आती है लेकिन केंदियन मॉडल में वो इसको कहते हैं कि इट कैन काज द प्राइस स्टिकीनेस सो इवन स्मॉल कास्ट लाइक दिस मे प्रिवेंट सेलर्स फ्रॉम चेंजिंग प्राइस ऑफन सिंस कंपटीशन इज़ नॉट परफेक्ट हैविंग द रॉन्ग प्राइस टेम्पोरेली वुड नॉट अफेक्ट द सेलर्स प्रॉफिट मच कि यानी मार्केट में अगर कोई चेंज आई है मार्जिनल तो उसकी वजह से क्योंकि मनापलिस्टी कंपटीशन है ओके और मार्जिनल कास्ट के इक्वल नहीं है प्राइस परफर कंपटीशन में तो आप जानते हैं कि जो मार्जिन कास्ट के इक्वल और एवरेज कास्ट के रादर एवरेज कास्ट के मिनिमम पर मार्जिन कास्ट होती है और उसके इक्वल प्राइस होती है तो मोनापलिस्ट्री कंपटीशन में ऐसा नहीं है इसलिए प्राइस अगर थोड़ी बहुत उससे डिफरेंट भी है तो फॉर्म कैन अफोर्ड इट द फॉर्म चेंज प्राइस डिमांड आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज एंड नफ टू वार्टेंजिस इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे तो एम्पेरिकल एविडेंस इसके हवाले से क्या है एम्पेरिकल एविडेंस ये है कि द मेन रीजन फॉर प्राइस फीयर दैट इफ देयर रेज देअर प्राइस दे वूज कस्टमर टू अराइबल्स के फॉर्म्स जो हैं वो यूजुअली इसलिए प्राइस को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते या इसको अवॉइड करते हैं वो समझते हैं कि अगर अगर हम प्राइस को इनक्रीज़ करेंगे तो बाकी लोग हमें फ़ॉलो नहीं करेंगे और उसकी वजह से हम अपने कस्टमर्स को लूज़ करेंगे इसलिए वो टू सम एक्सटेंट उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं रजिस्ट करते हैं और प्राइसेस को चेंज नहीं करते प्राइसेस टू सम एक्सटेंट स्टिकी होती हैं हम इस पर मजीदी बात करेंगे थैंक यू